एज अ रेस्क्यूअर हमारा काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता दोस्तों। कब किस वक्त कहां से कॉल आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं चंदनार की ओर। दीपक जी के घर से हम निकले हैं, अभी डब्बा वगैरह लिया गया है और इनिशियली जो हमें बताया गया है आईडी जो हमें मिली है इनिशियली वो कोबरा की है। तो थोड़ा सा ये इलाका दूर है, घाट का इलाका है, तो वहाँ पहुँच के देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि कौन सा सांप है। क्योंकि घर के अंदर है तो नॉन वेनमस भी हो तो हमें निकालना पड़ता ही है। मिलते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों। जैसा हम कई बार बोल चुके हैं कि इस तरफ का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और रात के वक्त थोड़ा और मुश्किल हो जाते हैं हालात। यहाँ से घाट शुरू होता है और ये इलाका जो है वेल नोन है वाइल्ड बोज के लिए और भालू भी यहाँ कई बार देखे गए हैं, तो थोड़ा सा सचेत रह के मूव करना होगा। और ये घाट एकदम खड़ा घाट है, ऑलमोस्ट 30-35 डिग्री का ये इंक्लाइन है। यहाँ तो कम है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ये घाट का इंक्लाइन जो है काफ़ी तेज़ हो जाता है। हाँ भैया हेलो। हाँ ये घाट चढ़ रहे हैं भैया हम लोग, तो रोड में रहोगे क्या? हाँ ठीक है, पहुँच ही रहे हैं ना। घाट से कितना दूर है? ठीक ठीक है, वहाँ पहुँच के हम लोग आपको लगा रहे हैं ना। पकड़ो तो बात रहे कोई अंदर में वो मुर्गी तो मर गया। मुर्गी काटा को दो टन का दिया। सांप है? सांप का है तो ईटा में घुसा है जी। ईटा यहां घुसा है इसको। अरे फटाफट चलो फिर लग जाओ आप लोग भी साथ में। करता ठीक है फटो तो भैया लिख लो रुक मूव कर रहा है, ऐसे नहीं करो, हटाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से हटाते रहो, उसका हेड यहीं पे है, हेड वहीं मूवमेंट कर रहा है उसका, उस पर मैं रखा हूँ नजर। ईटा हटाते रहो, हेड मूव नहीं कर रहा है अभी। ऊपर से दिखा रहा हूँ, मेरे को क्लियर दिख रहा है अभी। ठीक है आ रहा है, हेड मूव कर रहा है, वहीं कोलाइड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इधर आगे बढ़ रहा है, सीधा सीधा 12 o'clock पे आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, इस तरफ आ रहा है। ठीक है मूव कर रहा है, अभी वहीं रुका है, आगे जा रहा है। Thank you.
शादी हो या ना हो रिस्क लेना ही नहीं है, ये तो गलत बात है ना। बीवी आ गई तो रिस्क नहीं लेंगे, और जो माँ बाप बड़ा किया वो तो इसको अटम करेगा, इसको। वहीं रुका हुआ है, ये वापस जा रहा है, इस तरफ का पहले खाली करके ना फिर इधर घुस जाएगा, वापस जा रहा है दीपक उस तरफ मूवमेंट। गणेश उधर से देखो आइडल है, अभी रुक गया है, ये ईटा हटाओ ना ये सब, ठीक है ठीक है, सिलसिला किधर है, इसमें हाँ चाहिए रहा, ठीक दिख गया मेरे को, निकाल तो मुझे बहुत मस्त धर ले दीपक, ठीक 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 ठीक, ईटा रुको, निकालने दो निकालने दो निकालने दो, ले ले पकड़ पकड़, रुक रुक, टेल होल्ड कर दिया, टेल होल्ड कर दिया हमने, ठीक ठीक उसको एक सेकंड बस हो गया हो गया, छोड़ दो आगे बढ़ने दो उसको, ले आराम से कर रहा हूँ मैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ बस, ठीक डब्बा प्लेन एरिया प्लेन एरिया, देखो टूटा तो गया, तो दोस्तों ये 2 किलोमीटर के आसपास का ही इलाका है, अंडर 2 किलोमीटर है, और जैसा हमने दोस्तों कई बार कहा है कि हर बार पॉसिबल नहीं होता है टचलेस रखना रेस्क्यू। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले राजेश ने उसकी टेल को होल्ड किया, एक फर्म ग्रिप थी, और आवश्यक इसलिए था क्योंकि आपने देखा कि ईट वगैरह इतनी थी कि अगर उसे नहीं होल्ड करते तो दोबारा वो चला जाता। उसके बाद दीपक जी ने होल्ड किया और आराम से वो डब्बे में आ गया। तो अब इसे तुरंत ही हम रिलीज़ करने आए हैं, कारण हमने बताया आपको कि ये इसने शिकार किया हुआ है 2 चिक्स का, और ये उन्हें उगल ना दे, इसलिए आवश्यक होता है जल्द से जल्द हम रिलीज़ करें। यहाँ आपने देखा कि दीपक जी ने स्टिक के माध्यम से लिड को हटाया, और ये कोबरा जो है बड़ी फुर्ती के साथ ये मूव कर रहा है। हेलो तो दोस्तों बने रहें टीम एजियन के साथ।